ओम शांति। आज हमारा टॉपिक है क्या गंगा स्नान से हमारे किए हुए पाप वो खत्म होते हैं। अब गंगा में जब हम डुबकी लगाते हैं तो क्या होता है कि जो पानी है वो हमारे शरीर को टच करता है, हमारे शरीर को साफ करता है, क्योंकि हमारा शरीर भी दिखाई दे रहा है और पानी भी दिखाई दे रहा है। तो पानी कहाँ तक पहुँचता? शरीर तक पहुँचता है। तो हर साल अगर हम पाप करते हैं और हर साल अगर हम जाकर गंगा में डुबकी लगाते हैं तो इसका मतलब मेरा पाप खत्म हो गया। ये हम सबकी धारणा है, हम सब ये चीज़ मानते हैं, इसीलिए हम गंगा में जाकर नहाते हैं और वो भी कोई शुभ दिन देखकर जाते हैं कि इस शुभ दिन में अगर गंगा में जाके स्नान करेंगे तो हमको पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आज देखिए, अगर ऐसा होता हर साल लाखों लोग करोड़ों लोग जाकर गंगा में स्नान करते हैं तो क्या पाप क्या धुलते हैं या पाप क्या खत्म होते हैं? अगर ऐसा होता तो आज पूरी दुनिया में सुख शांति से भरपूर होती दुनिया। लेकिन आज सुख और शांति, अब जिससे भी बात करो सभी को ये चाहिए कि हमें शांति चाहिए। सबसे पहले सबका यही शब्द रहता है कि नहीं, हमको शांति चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज़ बोलते हैं। तो पाप से अगर मुक्ति मिल गई तो हमें क्या होगा कि शांति की अनुभूति होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर साल स्नान करने के बाद भी हमारी अवस्था तो वैसे ही रहती है, क्योंकि जब हम गंगा में नहाने के लिए जाते हैं, स्नान करते हैं, तो हमारी स्थिति कैसी रहती है? जैसे हम गए थे गंगा में स्नान करने के पहले, जैसे थॉट्स मेरे थे, जो बातें मेरे अंदर थी, जो परेशानी थी, किसी के प्रति हमें घृणा भी थी, किसी की निंदा भी करते थे, किसी के प्रति क्रोध भी था, किसी के प्रति बदला लेने की भी भावना थी, ये सब मेरे अंदर थी। ये सब को लेकर हम कहाँ गए? गंगा में स्नान करने के लिए गए। हमने स्नान किया गंगा में, जब हम गंगा से स्नान कर कर निकलते हैं तो क्या जो बातों को लेकर हम डुबकी लगाए थे उनसे हमको मुक्ति मिलती है? ये हम सब सोच सकते हैं, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जितनी बातें जितने बोझ को लेकर हम डुबकी लगाए थे उस एक बात से भी हमको मुक्ति नहीं मिलती है। तो पाप क्या है जिसको साफ करने के लिए, जिससे मुक्ति पाने के लिए हम गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं? पाप वही है जो मेरे किए हुए कर्म, जाने अनजाने में हमने किसी के लिए बुरा किया है, किसी को दुख दिया है, किसी को परेशान किया है, जो भी हम किए हैं वो मेरे कर्म जो हैं वो जब वापस मुड़कर मेरी तरफ आते हैं तो वो दुख का कारण बनते हैं। हम उससे परेशान होते हैं, हम उससे पीछा छुटाना चाहते हैं। तब हम क्या सोचते हैं कि सभी जा रहे हैं तो हम भी अगर गंगा में स्नान करने जाएंगे तो इन बातों से, इन परेशानियों से हमको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इतना इजी होता अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना, या किसी के साथ हम इतना गलत कर रहे हैं और एक स्नान से अगर हमको मुक्ति मिल जाती तो क्या होता? ये हम खुद सोचें। अगर ऐसा होता तो सभी वही काम करते, डुबकी लगाते, आके पाप कर्म करते। ऐसा नहीं है। हम जो भी पाप कर्म करते हैं वो कैसे करते हैं? सबसे पहले थॉट के थ्रू, माने थॉट के माध्यम से हम उसको क्रिएट करते हैं कि मेरे मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं। अब जितनी भी बातें हैं, जितनी भी परेशानी है, वो कहाँ स्टोर है? हमारे मन के अंदर है। और स्नान करने हम जा रहे हैं शरीर को लेकर, क्योंकि मन तक तो वो पानी पहुँचता नहीं है। अब शरीर में तो कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि शरीर में अगर परेशानी होगी तो हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, और वो भी अलग अलग डॉक्टर है। आपके हड्डी में प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर अलग है, आपके नर्व्स में प्रॉब्लम है तो उसका डॉक्टर अलग है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम है तो उसका डॉक्टर अलग है। हम सब डॉक्टर को जाके दिखा के ट्रीटमेंट करके अपने बॉडी को ठीक करा लेते हैं। तो गंगा स्नान से तो फिजिकली जो हमारी प्रॉब्लम है वो तो ठीक होगी नहीं,
क्योंकि वो तो डॉक्टर ही ठीक करेगा। तो वैसे ही जब हम स्नान करने जाते हैं तो क्या होता है, शरीर का मैल साफ होता है, शरीर को टच करता है वो गंगा का पानी, मन तक नहीं पहुंचता है। मन को साफ करने के लिए जो पाप कर्म किए हैं वो मेरे इकट्ठे हो गए हैं, जिसे हम कार्मिक अकाउंट कहते हैं, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और उससे मुक्त भी कौन होगा, उससे मुक्त भी हमको खुद को होना है। तो इसलिए हमें कहाँ स्नान करता है, ज्ञान गंगा में स्नान करना है। ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। जब हमको ये नॉलेज मिल गई कि नहीं मैंने ये गलत किया है, ज्ञान मिला तभी तो अपनी पहचान मिले ना, हम कौन हैं। अभी तक तो केवल सारा दिन बॉडी कॉन्शियस होके काम कर रहे थे, मैं ये हूँ मैं ये हूँ, सारा दिन अहंकार वश क्रोध वश सब कुछ कर रहे थे। लेकिन जब पता चल गया कि मैं कौन हूँ, असली स्वरूप मेरा क्या है, मैं एक सोल हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, तब हम क्या करेंगे, ज्ञान मिलने के बाद किए हुए जो पाप कर्म है हमारे वो तो खत्म तो नहीं होंगे, क्योंकि उसको भी चुकाना है हमको ही। लेकिन ज्ञान मिलने के कारण हम क्या करेंगे, आगे और नहीं करेंगे, अलर्ट हो जाएंगे और अपने ऊपर अटेंशन देंगे कि नहीं ऐसा हमको नहीं करना है, क्योंकि हमको ज्ञान की रोशनी मिल गई है। और किए हुए जो पाप कर्म है उसको हम क्या करते हैं, उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं, आए तो गए वो आपके पास। ये बात नहीं कि हम अगर गलत किए हैं तो मेरे साथ गलत होगा ही, क्योंकि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा रिटर्न में हमको मिलेगा। हमने खराब बीज बोया है, गलत का बोया है, तो वो रिटर्न में हमको वही आएगा। लेकिन चुकाने के समय क्या होगा, हमको इजी लगेगा, इतनी मेहनत नहीं लगेगी, इतने परेशान नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ हम मन के डॉक्टर के साथ जब कनेक्शन में आ जाएंगे, ज्ञान तो हमें मिल गया, अब उस सागर के कनेक्शन में जब हम आ जाएंगे तो क्या होगा, उस सागर में जब हम डुबकी लगाएंगे, माने मन को जब उस परमात्मा के साथ जब जोड़ेंगे हम, तो परमात्मा के साथ जोड़ने से उनके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो मेरे अंदर आने लग जाएगी। और फिर क्या होगा, मेरे जो भी पाप कर्म किए हुए थे उससे हम धीरे धीरे मुक्त होते जाएंगे। मुक्त का मतलब आएगा जरूर, लेकिन जो बोलते हैं ना, मक्खन से बाल निकल जाता है, पहाड़ का राई हो जाता है, मुसीबत आ रही थी महीनों की, वो आपकी 1 या 2 दिन में टल गई, तो ऐसा कुछ होगा, पाँव टूटने वाला है, मोच आकर रह गई। तो जब हम उस मन के डॉक्टर के पास, उस सुप्रीम सर्जन के कनेक्शन में आएंगे, तब हमारे पाप से हमको मुक्ति मिलेगी। बाकी स्नान से मुक्ति तो ये हम हमारी एक सबकी एक धारणा बनी हुई है। बाकी आप सब इसके ऊपर सोच सकते हो कि क्या सही है ये, ऐसा अगर होता तो सभी फिर जाकर क्या करते, स्नान कर लेते। तो यहाँ हमारे यहाँ कलकत्ता में गंगा सागर मेला लगता है, बहुत बड़े रूप में लगता है, जो जहाँ दूर दूर से सब स्नान करने के लिए आते हैं, वहाँ पर हमारा सेवा सेवा केंद्र से एक स्टॉल लगाया जाता है ताकि उनको परमात्मा का परिचय मिले। जितने भी वहाँ पर आते हैं, जब हम सेवा करने जाते हैं, हम देखते हैं इतनी ठंड में, इतनी परेशानी में, इतने पैसे खर्चे कर कर और इतनी दूर से समय देकर वो सब आते हैं, सबका चेहरा गंगा स्नान करने आ रहे हैं, लेकिन सब क्या है, बहुत अंदर से परेशान हैं, दुखी हैं। उनसे जब बातें करते हैं, जब बाबा का परिचय देते हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में उनको बताते हैं, तो उनके मुख से की बात निकलता है कि हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत तकलीफ़ से आए हैं, बहुत पैसा खर्चा कर कर आए हैं, अपने परिवार को छोड़ कर आए हैं एक डुबकी लगाने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ पर 8-10 जन थे भाई बहन मिलाकर, तो मुजफ्फरनगर से वो आए थे। तो वो वहाँ जो माताएं थी वो बहुत परेशानी में थी, बुजुर्ग भी थी एक दो, इतने कष्ट से वो आए, माने खड़े होने की हिम्मत नहीं, उनको चेयर दिया, उस चेयर पे वो बैठे, लेकिन उनको उनको ज्ञान सुनने की बहुत इच्छा हो रही थी। तो मैंने उनको बताया कि आप इतने दूर से आए हो माता जी स्नान करने के लिए, क्या सोच कर आए हो? तो उन्होंने कहा कि हम आए हैं इसलिए कि इस जीवन में जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, जो भी हमसे पाप कर्म हुए हैं, ये यहाँ जब गंगा स्नान कर कर जाएंगे तो उनसे हमको मुक्ति मिल जाएगी और हमारा भविष्य
माने अगला जन्म हमारा श्रेष्ठ होगा, ये सोचकर हम आए हैं यहाँ पर। तो मैंने उनको कहा कि आपको तकलीफ कहाँ है, शरीर के अंदर आपको तकलीफ है? तो उन्होंने कहा नहीं, शरीर के अंदर एक पढ़े लिखे भी नहीं थे, एकदम गांव की सीधी सादी माता थी, उनके साथ 8-10 जन और थे। तो उन्होंने कहा नहीं, शरीर में तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मन तो ठीक रहता नहीं है, मन तो खराब ही रहता है, चिंता रहती है, परेशानी रहती है मन के अंदर, क्या होगा बच्चों का, ये सब अपना घर का बताने लग गए। वो खेती उती करते थे, उसके बारे में बताने लग गए। तो मैंने कहा क्या गंगा स्नान करने से आपकी सारी स्थिति ठीक हो जाएगी? तो वो बोले हाँ, सब सब तो ऐसा ही बोलते हैं, यही सोचकर हम आए हैं इतने दूर से, शरीर भी साथ नहीं दे रहा, बुजुर्ग हो गए उसके बाद भी आए हैं। तो मैंने कहा जिस पानी में आप डुबकी लगाओगे वो आपके मन को क्या जाकर साफ कर देगा, जो आपके मन के अंदर इतनी परेशानी है? तो उन्होंने कहा मन तो दिखाई नहीं देता, मन तक पानी कैसे जाएगा? तो बोले शरीर में आपके तकलीफ है नहीं, तो फिर आप डुबकी लगा के क्या करोगे? उन माता जी को समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा अपने उनके साथ जो आए थे कि एकदम सही चीज़ है ये, कि हम लोग आए तो है इतना दूर से, लेकिन जैसे भाव से हम आए हैं, जितने गलत धारणाएं हमारे अंदर थी, जो कुछ हमारे अंदर तकलीफ था, दुख था, वैसा का वैसे ही है, अब हम स्नान करके जाएंगे तो हमको मुक्ति कहाँ से मिलेगी? उनको ये चीज़ समझ में आ गई, आपस में वो बात करने लग गए। तो देखिए ये है ज्ञान की बात। ज्ञान मिलने के बाद अगर हमको पता चल जाए कि नहीं, हमारी मन की स्थिति को हमको ठीक करना है, क्योंकि शरीर में तो कोई तकलीफ है ही नहीं, तो उस मन की स्थिति को ठीक करने के लिए ना हमको कहीं जाना पड़े, ना कहीं पैसा खर्चा करना है आपको, ना कहीं पहाड़ों में चढ़ना है, ना कहीं गंगा में जाकर स्नान करना है आपको, केवल एक चीज़ करनी है, क्योंकि उस सुप्रीम सर्जन के साथ जुड़ने के लिए उसमें आपको एकांत चाहिए। वो एकांत आपको कहाँ मिलेगा? हम क्या कर रहे हैं, उस एकांत को छोड़कर भीड़ भाड़ जगह में जा रहे हैं, जो सब कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। तो भीड़ में जाने से या जो सब कर रहे हैं वो करने से अगर हमको पापों से मुक्ति मिल जाए, तो इससे इजी रास्ता और कुछ भी नहीं है। फिर तो किसी को दुख परेशानी आई ही नहीं जीवन में, क्योंकि वो तो हम हर साल ही पापों से छोड़ने के लिए गंगा में जाके स्नान कर ही रहे हैं। हमको तो मुक्ति मिल जानी चाहिए। तो हमारे जीवन अगले साल, जैसे इस साल हमने डुबकी लगाई, तो आने के बाद मेरी लाइफ तो बिना स्ट्रगल के बहुत पीसफुली मेरी लाइफ बितनी चाहिए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। इतनी परेशानी से स्नान करके आने के बाद भी जैसे थे वैसा ही होता है। तो हमें क्या करना है, उस सुप्रीम सर्जन के साथ जुड़ना है, उस मन के डॉक्टर के साथ जुड़ना है, क्योंकि तकलीफ यहाँ मन के अंदर है, शरीर के अंदर नहीं है। और पानी शरीर तक ही पहुँचता है, मन तक नहीं पहुँचता है। बोलते हैं जैसा मन होगा ना वैसा ही आपका क्या होगा, कर्म भी वैसा ही होगा। तो मन की स्थिति अगर ठीक होगी, चाहे आप सारा दिन कितना भी काम करो, आपको थकावट नहीं होगी। और मन की स्थिति अगर भारीपन की है, उसमें दुख अशांति है, या बहुत परेशान है किसी बात को लेके, चिंता में है, तो आप अगर 5 मिनट भी फिजिकली वर्क करोगे तो आपको ऐसे लगेगा पता नहीं कितना देर से हम काम कर रहे हैं। तो सारा काम कहाँ है, मन का काम है। इसको हम क्या कर गए, सारा दिन बॉडी कॉन्शियस होने के कारण इसको हम क्या करने लग गए, उस बॉडी को ही नहलाने लग गए, क्योंकि ज्ञान का अभाव था, ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान की जब रोशनी मिल गई, तब हमको ये चीज़ जज करना है, सोचना है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, ज्ञान की रोशनी के बाद कैसे बदलाव आता है। मुझे ज्ञान में आए हुए 5-6 साल हुए थे, अभी तो 11 साल हो गए मेरे को, 5-6 साल हुए थे। तब मेरी शॉर्ट में फटाफट बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमको योग भी करना है, मेडिटेशन भी करना है, अपने पापों को धुल बाबा की याद से, उस सागर से, ज्ञान के सागर के नीचे बैठ के उसको सफाई भी करनी है। इसलिए हम 2-1-2 मिनट में थोड़ा
आपको शॉर्ट में बताती हूँ। एक, अगर ज्ञान में नहीं होते तो हम क्या करते और होने के बाद हमने क्या किया, तो ये खुद को जज करना पड़ेगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उनके यहाँ उन्होंने अपने गुरुजी को बुलाया था अपने घर पे, कोई पूजा था या जो भी फंक्शन था, उसने मेरे को इनवाइट किया, बोला कि तुमको आना है, तो हम भी गए वहाँ पर। गुरुजी ज्ञान की बातें बता रहे थे सब, लेकिन मेरा ध्यान तो बाबा की तरफ ही था, तो हम बैठे थे भीड़ में, सबके साथ ही बैठे थे, लेकिन मन परमात्मा के साथ जुड़ गया। हम बाबा की याद में बैठे हुए थे, 1-1.5 घंटा वहाँ बैठे रहे। तो उसी समय मेरी एक फ्रेंड ने आकर कहा, जिसके यहाँ प्रोग्राम था, उसने आके कहा कि उससे और मेरी कोई बात नहीं हुई, हम क्योंकि वो भी बिजी थी, तो उसने आकर बस इतना कहा कि गुरुजी के घर में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बस इतना बोलकर वो चली गई। फिर प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो वो गुरुजी ने कुछ ताबीज निकाले, कुछ सारे, और बाहर निकाल के रखा, कहा कि ये जब ताबीज आप लोगे, आपके घर में सुख और शांति रहेगी, आप ये ताबीज ऐसे बांधना। वो कुछ तरीका टोटका बता रहे थे सबको, मेरा ध्यान कमी था क्योंकि हम पूरा बात नहीं सुन रहे थे उनका, क्योंकि मुझे लेना भी नहीं था, इसीलिए इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था मेरे को। अगर हम पहले होते, बिन ज्ञान नहीं मिला होता, तो हो सकता हम पूरे इंटरेस्ट से सुनते, क्योंकि मुझे भी वो ताबीज चाहिए था, क्योंकि शांति तो सबको ही चाहिए। तब फिर उनके पास हम सब खड़े हो गए जाकर वो ताबीज़ लेने के लिए, कुछ पैसे उन्होंने बताया, उस पैसे से सबने लिया। तो गुरुजी ने फिर देखा कि केवल उस वहाँ भीड़ के अंदर हम अकेले ही थे जो वो ताबीज़ लेने नहीं गए, तो उन्होंने पूछा कि आपको ताबीज़ नहीं लेना है? तो मैंने उनको कहा, गुरुजी नहीं, ताबीज़ तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जिस शांति की आप बात कर रहे हो, उस शांति के सागर के साथ मैं हमेशा जुड़ी रहती हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है, तो इसीलिए मुझे ज़रूरत तो नहीं है ताबीज़ की। तो बोले ठीक है, वो बस मैंने उनको अच्छा नहीं लगा सुनकर। फिर मैंने उनको कहा कि मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आप बुरा नहीं मानो तो उन्होंने कहा कि हाँ पूछिए। तो मैंने कहा कि आप ये जो ताबीज़ दे रहे हो, इसका क्या गारंटी है कि घर में शांति होगी, किसी को परेशानी नहीं होगी? फिर तो उन्होंने कहा हाँ, आप लेके जाओ, मुझे कहा। तो मैं बोली नहीं गुरुजी, मुझे तो नहीं चाहिए, आप, लेकिन आपने इस ताबीज़ का इस्तेमाल अपने घर में क्या नहीं किया? तो वो कुछ बोले नहीं, चुप रह गए। मैंने उनको समझ में आ गया, शायद इनको पता है, लेकिन डिटेल्स तो मुझे कुछ पता नहीं था, बस इतना ही पता था कि इनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो भी आगे कुछ बात नहीं किए, मैंने भी कुछ और बात नहीं किया, बस मैंने उनको प्रणाम कर कर फिर थोड़ी देर बाद में घर आ गई। तो ऐसा होता है ज्ञान मिलने के बाद, ये मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको बता रही हूँ, बाकी आप सब समझदार हो कि कैसे हमारे पाप खत्म होंगे। और उसके बाद जो बाबा की याद में हम बैठते हैं, तब ज़रूर हम हल्के होते हैं, ये नहीं कि हम पूरे हल्के हो चुके, कुछ कुछ बातें अभी भी है, बोझ रहता है, बातें आ जाती है, लेकिन उसको सेम डे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि जितना कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम बातों को, तकलीफ़ को, दुख को, अशांति को, वो क्या होगा, आपका जमा होता जाएगा, फिर मल्टीपल होता जा रहा है, एक बात सोचते रहेंगे उसमें 4 बातें आएंगी। तो जिस दिन जो बात आती है उसको सेम डे ख़त्म करो। ख़त्म करने का तरीका एक ही है, केवल एक ही है, वो है कि उस सुप्रीम सर्जन के साथ, उस परमात्मा के साथ जुड़ना, उस सागर के साथ जुड़ना, और उनसे वो जो ज्ञान हमको मिलेगी, ज्ञान की रोशनी, जो नॉलेज मिलेगी, जिसे हम ज्ञान गंगा कहते हैं, उससे हमको अपने मन की सफाई करनी है। तो हम 2 या 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे कि आप घर बैठे बिना खर्चा किए, बिना तकलीफ़ के, आप अपने पापों को खुद कैसे भस्म कर सकते हो, कैसे ख़त्म कर सकते हो, आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो अब हम जैसा बोलेंगे आपको केवल वो विजुअलाइज करना है। सभी स्ट्रेट होकर बैठेंगे, अपने आप को देखेंगे। अपने आप को देखेंगे का मतलब शरीर को नहीं देखना है,
उसको हम 24 घंटा देखते हैं, अपने असली स्वरूप को देखेंगे। मैं एक आत्मा हूं, मैं एक एनर्जी हूं, इस शरीर रूपी वस्त्र में मैं आत्मा दोनों आंखों के बीच में स्थित हूं। देखें दोनों आंखों के बीच में अपने असली स्वरूप को। मेरा असली स्वरूप क्या है? जस्ट एक पॉइंट ऑफ लाइट। अब उस सुप्रीम सर्जन को, आत्मा के पिता को, जिसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उस ज्ञान के सागर को, उस भोलेनाथ को, उस परम पिता परमात्मा को, उस गॉड फादर को, महसूस करें कि वो गॉड फादर, वो ज्ञान का सागर, वो महाज्योति मेरे पास है। कहाँ है? मेरे सर के जस्ट ऊपर आके स्थित हो गया वो ब्राइट लाइट, वो सुप्रीम सर्जन सभी आत्माओं का पिता। विजुअलाइज करें अपने सर के जस्ट ऊपर एक चमकता हुआ प्रकाश पुंज, जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूं, बाबा का स्वरूप भी लाइट का, और वो मेरे सर के ऊपर स्थित है। उनसे, परमात्मा से, शिव बाबा से 7 रंग की लाइट निकल रही है, जैसे हम रेनबो देखते हैं। क्या देखते हैं उसमें? 7 रंग देखते हैं, वैसे ही मिक्स 7 रंग बाबा से निकलकर मेरे ऊपर पड़ रहे हैं, मुझ आत्मा के ऊपर। मैं आत्मा जो दोनों आंखों के बीच में बैठी हूं, ये 7 रंग की किरणें आत्मा के ऊपर पड़ रही है। आत्मा की शक्ति है मन और बुद्धि, मन के अंदर जो भी विचार हैं, जो भी चिंता है, जो भी दुख है, उन सबको ये पावरफुल लाइट, ये 7 रंग की लाइट सब बातों को खत्म कर रही है। मेरी सारी सिचुएशन मेरी सारी प्रॉब्लम सब खत्म हो रही है। मेरे सारे पाप जाने अनजाने में किए हुए, जिससे मैं आत्मा अनजान हूं, मुझे याद नहीं कब मैंने पाप किया था, वो बोझ आज भी मुझ आत्मा पर है। उन पापों को भी बाबा खत्म कर रहे हैं, सूली से कांटा बना रहे हैं, मुझ आत्मा को उतनी शक्ति दे रहे हैं कि मैं उन पापों को एक सेकंड में खत्म कर चुकी हूं।
इतनी पावर बाबा मुझे दे रहे हैं कि उन पापों को मैं आत्मा कुछ ही क्षणों में ख़त्म कर हल्कापन महसूस कर रही हूँ। वो सेवन कलर की लाइट, वो रेनबो कलर की लाइट कंटिन्यू मेरे ऊपर आत्मा पर पड़ रही है। उस ज्ञान के सागर के साथ मुझ आत्मा का मिलन हो रहा है। मेरे सारे मेल, मेरे सारे दाग, सबकी सफाई हो रही है। मुक्त हो रही हूं मैं। सभी दुखों और परेशानी से ऐसा ही हमको दिन में जब भी भारीपन लगे या कोई बात बहुत परेशान करे, एकांत में बैठकर ये असली गंगा सागर में लेकर अनुभव करें और मुक्त हो जाएं अपने पापों से। ओम शांति।